निकलने की सारी उम्मीदें तो टूट गई थी। एक तरफ मनीष कश्यप के समर्थक और उनके परिवार के लोगों का विश्वास का पहाड़ भी ध्वस्त हो गया था कि अब मनीष कश्यप जल से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नया रास्ता दिखा है जिस रास्ते से हो सकता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द यानी कि बहुत कम समय में सलाखों से बाहर निकल के अपना सन ऑफ बिहार वापस फिर से बिहार आ जाएगा। वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं, जब से मनीष कश्यप पे एनएसए लगा और सरकार के इशारों पे मनीष कश्यप की सारी उम्मीदें टूट गई और एनएसए लगाने का मतलब सारे लोग ये समझ गए थे कि अब मनीष कश्यप कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक तमिलनाडु के जेल में बिना मतलब का कैद होकर के रहेंगे। तब तो उनके परिवार के लोगों का भी हालत बिगड़ गया था और उनके समर्थक भी काफी घबरा गए थे। लेकिन इसी बीच एक नया रास्ता दिखाई दिया है जिस रास्ते से मनीष कश्यप के निकलने की ज्यादातर संभावनाएं देखी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप का जो वकील एपी सिंह जी है, एपी सिंह ने दिल्ली के सबसे बड़े न्यायालय, सबसे ऊंचे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई को लेकर के एक आवेदन जो है दायर किया था और उस दायर आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट की एक नजर पड़ी है और कोर्ट में बैठे जज साहब ने, न्यायाधीश साहब ने, माननीय न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि मनीष कश्यप के मामलों को लेकर के 10 तारीख को सुनवाई होने वाली है और 10 तारीख की सुनवाई में हो सकता है कि माननीय न्यायालय को अगर लगे कि मनीष कश्यप बिहार का एक आम नागरिक है, उसका कोई भी क्रिमिनल प्रवृत्ति अगर जज साहब के नजर में, कोर्ट के नजर में नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को कोर्ट ये आदेश दे देगी कि तमिलनाडु सरकार जल्द से जल्द मनीष कश्यप पे लगे, एनएसए जैसे गंभीर धारा को हटा दे और मनीष कश्यप को वापस बिहार भेज दे। आपको मैं यही बता रहा था कि मनीष कश्यप के समर्थकों को थोड़ी मैं बताऊं कि मनीष कश्यप के जेल से निकलने की एक और उम्मीद की किरण जगी है और एक नया रास्ता दिखा जिस रास्ते से चल करके हो सकता है कि मनीष कश्यप को सफलता मिले और मनीष कश्यप को बाइज्जत तमिलनाडु के कोर्ट से निकाल करके और बिहार के जेल में शिफ्ट किया जाए। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने अगर कोई घोर अपराध अदालत के नजर में किया है, मनीष कश्यप ने कोई गलती